माता की जय। भारत माता की जय। गांधी जी कहते थे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी उसका साथ नहीं छोड़ा। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और मैं आपकी सहमति चाहता हूँ कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूँ कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाड़ी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदंबरम साहब, अलागिरी, कनीमोई, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और ईमानदारी का ढोल पीट कर सत्ता में आई अरविंद केजरीवाल की सरकार एक बार फिर विवादों में। पार्टी के कई बड़े नेताओं के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। आंदोलन के गर्भ से निकली आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी के मुद्दों को उठाकर पहली बार 28 दिसंबर 2013 को सत्ता में आई थी। अन्ना हजारे के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े नायक के तौर पर उभरे। सिर पर नेहरू टोपी, पैरों में चप्पल, गले में मफलर। उनको देखते ही देश के लोगों में जोश और उत्साह बढ़ जाया करता था। लोगों को लगता था कोई आम आदमी ही नेता बनकर आगे बढ़ रहा है, वो जननायक आम आदमी का ख्याल रखेगा। हजारों लाखों की भीड़ उनके पीछे आंख मूंद कर चल पड़ती थी। दिल्ली के रामलीला मैदान पर लोगों का ये हुजूम बताता है कि लोगों को अरविंद केजरीवाल और उनकी नव निर्मित पार्टी पर कितना भरोसा था। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 28 दिसंबर की उस गुनगुनी धूप में जब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो ऐसा लगा मानो आम लोगों की ताजपोशी हुई। ये अरविंद केजरीवाल ने शपथ नहीं ली, इन 6 मंत्रियों ने शपथ नहीं ली, आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली है। इधर अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद की शपथ ली, उधर जन लोकपाल बिल को लेकर इतना बड़ा आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे ने केजरीवाल से किनारा कर लिया, क्योंकि उनका मकसद कतई एक राजनीतिक पार्टी बनाना नहीं था। वो तो सिर्फ जन लोकपाल बिल को पास करवाने के लिए आंदोलन की राह पर चले थे, लेकिन केजरीवाल ने उनका इस्तेमाल कर अपनी अलग राह चुनी और राजनीति में कूद पड़े। आम लोगों की भलाई के बारे में सोचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ना ही इसके लिए दिमाग के पहियों को एस्केप वेलोसिटी में घुमाना है। बस इरादे नेक हो और नीयत में कोई खोट ना हो तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। दिल्ली मेट्रो का सफर करके सीएम पद की शपथ लेने जा रहे जननायक अरविंद केजरीवाल ने शपथ लेते ही जनता से कई बड़े वादे किए और उन्हें निभाया भी। पहला वादा किया था दिल्ली के हर परिवार को रोजाना 700 लीटर मुफ्त पानी देने का। 28 दिसंबर को केजरीवाल की सरकार बनी, 30 दिसंबर को पानी पर सरकारी फरमान पास हो गया। अरविंद केजरीवाल ने निराशा के भंवरजाल में फंसी जनता को साफ सुथरी जिंदगी देने का वादा किया था। तो पहला वादा पूरा करते ही 31 दिसंबर को बिजली पर किए गए दूसरे वादे पर भी काम शुरू हो गया। बिजली कंपनियों के हिसाब किताब का लेखा जोखा शुरू हो चुका था। केजरीवाल ने बिजली का काम बांटने वाली कंपनियों के ऑडिट के आदेश दे दिए थे, क्योंकि केजरीवाल ने बिजली के दाम आधे करने का वादा किया था, इसलिए ऑडिट होने के बाद केजरीवाल ने अपना वादा पूरा भी कर दिया। लेकिन केजरीवाल के सामने असली चुनौती तो भ्रष्टाचार थी, और आम आदमी पार्टी की लड़ाई का असल मुद्दा भी, जिसे जड़ से मिटाने और हराने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को एक मंत्र दिया। केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई अधिकारी या बाबू रिश्वत मांगे उसे मना मत करना। कि अब अगर किसी दफ्तर में जाओ और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना, हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे, आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम
सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। तो इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों को ही भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ इंसाफ की आवाज बना दिया। लेकिन इंसाफ की वो आवाज, इंसाफ की वो आम आवाज 49 दिनों में ही खामोश हो गई। आंदोलन के गर्भ से निकली केजरीवाल सरकार आंदोलनकारी मुद्रा में ही खत्म हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार जन लोकपाल की बलि चढ़ गई। अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों तक सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फरवरी 2015 में हुए चुनाव में केजरीवाल को ऐतिहासिक जीत मिली। केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीती और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। उस चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि उस वक्त देश में मोदी लहर चल रही थी, फिर भी दिल्ली की जनता ने मोदी लहर को साइड कर जननायक अरविंद केजरीवाल को चुना। उस चुनाव में बीजेपी कुल 3 सीटें ही जीत पाई थी। यकीन मानिए, 75 साल के इतिहास में कांग्रेस का इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। खैर, इसके अगले ही चुनाव में केजरीवाल की पार्टी फिर से अपने दम पर 62 सीट निकाल पाने में कामयाब रही और तब से ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी कब खुद ही भ्रष्टाचारी बन गई ये पता ही नहीं चला। वक्त के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कई तरह के गंभीर आरोप लगते रहे और कई तरह के घोटाले भी सामने आए। शुरुआत जून 2016 में हुई थी, जब संगम विहार से आप विधायक दिनेश मोहनिया पर एक महिला ने दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया था। दिनेश को छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 2020 में उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद तो जैसे केजरीवाल की पार्टी के नेताओं का जेल जाने का सिलसिला ही शुरू हो गया। त्रिनगर से आप विधायक जितेंद्र सिंह तोमर, नरेला से आप विधायक शरद चौहान, कोंडली से आप विधायक मनोज कुमार, मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी, देवली से विधायक प्रकाश जारवाल, मेहरौली से आप विधायक नरेश यादव, सुल्तानपुर माजरा से विधायक संदीप कुमार, पूर्व कानून मंत्री रह चुके सोमनाथ भारती, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे अमानतुल्ला खां, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस तरह से भ्रष्टाचार को मिटाने वाली केजरीवाल की आधी से ज्यादा पार्टी दिल्ली के कथित शराब घोटाले के फेर में फंसकर सलाखों के पीछे पहुंच गई। आपको बता दें, साल 2021 में दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था, जिसके बाद लगातार जांच एजेंसियों के रेडार पर आपके बड़े नेता आते रहे। दिल्ली सरकार में नंबर 2 रहे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिली। तो कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना, जिसके बारे में शायद केजरीवाल भी जानते थे। वो ये भी जानते थे कि शराब घोटाले में आज नहीं तो कल उनका भी नंबर लग सकता है। शायद इसी वजह से वो कभी बिहार तो कभी महाराष्ट्र, कभी बंगाल तो कभी तेलंगाना तक दौड़ लगाते रहे। मकसद था विपक्षी दलों को एकजुट कर अपने लिए बैकअप तैयार करना, जो मुश्किल दिनों में उनका साथ दे। वरना क्या वजह हो सकती है कि जिस कांग्रेस के खिलाफ वो सत्ता में आने से पहले इतना जहर उगलते थे, आज उसी के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जिस लालू नीतीश पर कभी जुबानी हमले किया करते थे, आज उन्हीं के साथ हाथ में हाथ डालकर बीजेपी के खिलाफ खड़े। अब ये सत्ता का लालच नहीं तो क्या है? वही सत्ता जो शराब घोटाले में गड़बड़ी के चलते अब कभी भी जा सकती है। हालांकि अब भी केजरीवाल अपने अड़ियल रवैये के चलते इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इस्तीफा ना देने की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो कहते हैं, हम तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन ये सरकार जेल से कितने दिन चलती है, ये भी वक्त के साथ सामने आ जाएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।